विधानसभा चुनाव में ड्यूटी पर लगे मतदान कार्मिकों के द्वारा डीडीयू विश्वविद्यालय के कला संकाय भवन में बैलेट बॉक्स में मतदान किया गया, जिसके संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि 20 फरवरी से मतदान कार्मिकों का द्वितीय चरण का प्रशिक्षण किया जा रहा है तथा मतदान के बीच में कार्मिकों को विधानसभा चुनाव के लिए वहीं पर मतदान कराने की व्यवस्था की गई है, जिससे कार्मिक प्रशिक्षण के बीच समय निकालकर मतदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह कार्य प्रेक्षकों की निगरानी में किया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद, सीडीओ इंद्रजीत सिंह, उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा, नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह डिप्टी डीओ गोरखपुर हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, मतदान कार्मिकों का द्वितीय प्रशिक्षण कला संकाय दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में चल रहा है। दिनांक 20 से यह मतदान कार्मिकों का प्रशिक्षण चल रहा है। नियम यह है कि द्वितीय प्रशिक्षण के समय ही डाक मतपत्रों को डलवा लिया जाए, प्राप्त कर लिया जाए। वहाँ पर हम लोगों ने 9 फैसिलिटेशन सेंटर बनाए हैं और उन केंद्रों पर दिनांक 20 और 21 को जो डाक मतपत्र पड़े हैं उनका एक विवरण मैं शेयर करना चाहता हूं। कैंपियरगंज में 112, पिपराइच में 100, गोरखपुर अर्बन में 418, गोरखपुर ग्रामीण में 284, सहजनवा में 164, खजनी में 122, चौरी चौरा में 82, बांसगांव में 158 और चिल्लूपार में 216। इस प्रकार से कुल 1656 डाक मत पत्र अब तक पड़ गए हैं। मुझे उम्मीद है कि मतदान कार्मिक पूरे उत्साह के साथ अपने डाक मतपत्र सुविधा का उपभोग करेंगे और 10,000 से अधिक डाक मतपत्र प्राप्त होंगे। मेरा सभी कैंडिडेट से जो इस निर्वाचन में उम्मीदवार हैं उनसे और उनके निर्वाचन एजेंट से अनुरोध है कि प्रतिदिन सुबह 10 बजे अपने एजेंट को वहां पर भेज दें। सायंकाल 6 बजे तक मतदान होता है। मतदान के बाद प्रत्येक फैसिलिटेशन सेंटर का अर्थात प्रत्येक विधानसभा का जितना भी डाक मतपत्र प्राप्त हुआ रहता है उसे एक बड़े लिफाफे में भरकर सील कर उसी दिन ट्रेजरी के डबल लॉक में रख दिया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया एक पारदर्शी प्रक्रिया है। मेरा अनुरोध है कि आप लोग जो भी हमें सुन रहे हैं वे भी आकर इस प्रक्रिया को देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे लगातार 20 तारीख से हमारे सभी मतदान कार्मिकों को अच्छी दक्षता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दूसरी बार चल रहा है और इस बार जब वो प्रशिक्षण कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी ग्राउंड में सभी 9 विधानसभाओं में वो अपने मतदान अधिकार का भी प्रयोग करेंगे इसके लिए, और वहाँ पे वो लोग पूरे उत्साह से प्रतिभाग कर रहे हैं। वहाँ व्यवस्था दी गई है, प्रेक्षकों के मान्य प्रेक्षकों की उपस्थिति में ये कार्य सम्पन्न कराया जा रहा है। सर, कितने तारीख तक चलेगा मतदान? ये 27 तारीख तक।